आचार्य जी, श्रद्धेय आचार्य ईश्वरानंद जी और इस हाल में उपस्थित मेरे सभी आध्यात्मिक बहन भाइयों, सभी को मेरी सादर नमस्ते। बहुत सुंदर अवसर है और हमारा सौभाग्य है कि हमें इस शिविर में आने का मौका मिला। इसके लिए मैं आचार्य जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ और ईश्वर का भी धन्यवाद करती हूँ कि हमें यहाँ आने का मौका मिला है। तीन अनादि सत्ताओं का आचार्य जी ने हमें परिचय दिया कि तीन अनादि सत्ता क्या हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति, उनके स्वभाव बताए, उनके साथ हमें कैसा व्यवहार करना है ये बताया, किस प्रकार हम चिंतन मनन करें किसी भी विषय का, बल्कि इन तीनों विषयों का, चिंतन मनन और निधि ध्यासन, इनके बिना हमारा जीवन उत्कृष्ट नहीं हो सकता, हम मुक्ति की ओर नहीं बढ़ सकते, हम ईश्वर की ओर नहीं बढ़ सकते। तो ये बातें हमने सीखी और बहुत अच्छा लगा। आचार्य जी ने जो उपासना करवाई वो बहुत ही अच्छी थी, सब कुछ सुना हुआ दोबारा पुनरावृत्ति हुई और मन गदगद हो गया। उपासना में तो ऐसा मन होता था कि आंखें ही ना खोलें और ये समय समाप्त ना हो, ठहर जाए। बहुत अच्छी उपलब्धियां हुई हैं हमें, बहुत अच्छा हमारा मन लगा, सबसे बहुत अच्छा परिचय हुआ, यहाँ की व्यवस्था से हम संतुष्ट हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था थी, साफ सफाई, ठहरने का प्रोग्राम, खाने पीने का, बहुत श्रद्धा से, बहुत प्रेम से, बहुत प्यार से हमारा यहाँ स्वागत हुआ। हम इसके लिए आभारी हैं आचार्य जी के और हम अपनी तरफ से आचार्य जी का हमेशा सहयोग करने के लिए तैयार रहेंगे। और मैं ये चाहती हूँ कि ऐसे शिविर हमेशा लगते रहें ताकि हमारा जीवन ऐसे गुरुओं के सानिध्य से आगे बढ़ता रहे और हम उन्नति के पथ पर चलते हुए ईश्वर प्राप्ति की ओर बढ़ें। और इन्हीं अपनी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हुई आचार्य जी का पुनः धन्यवाद करती हूँ। ओम नमस्ते जी।